मैं यहाँ साफ साफ अर्ज कर दूँ, कुछ लोग जनाब अबू बकर सिद्दीक के ख़िलाफ़ बकवास करके उनको नंगी गालियाँ दे के मुल्क के अंदर फसाद फैलाना चाहते हैं। हम ये कतन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि सहाबा किराम को गालियाँ दे। तुम्हारा अकीदा अपने साथ है, इसको अपने अंदर तक रखो। बस जो सहाबा किराम को गालियाँ देगा, अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी करेगा, वो कतन काबिल मुआफ़ी नहीं है। ये धमकियाँ देते हो तुम लोग हमें कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। धमकियाँ किसी और को देना, ये सुनियों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। तुम कहते हो कि हम फलां इदारे का घेराव कर लेंगे, शिया कहते हैं ना, हमारी अपनी लड़ाइयाँ जो हैं सो हैं, तो तुम क्या समझते हो हमारे पास इसका जवाब कोई नहीं है? ज़रा आँख तो उठा कर देखो किसी इदारे की तरफ, किसी सुन्नी इदारे की तरफ। तुम्हारे यहाँ के इदारे, फैसलाबाद के इदारे फिर बच पाएंगे? यह भी हो सकता है कि तुम्हारी इन धमकियों ने अगर कुछ संगीन सूरत इख्तियार कर ली तो सईद असद सब कुछ भूल भाल कर खुद उस इदारे के तहफ़ के लिए जा सकता है। वहाँ अपनी लड़ाइयाँ अपने साथ हैं, अपने झगड़े अपने साथ हैं, लेकिन किसी खबीस को जो सहाबा किराम को गालियाँ बके, उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अहले सुन्नत की तरफ मैली आँख से भी देखे। हुकूमत का भी फ़र्ज़ है वो ऐसे लोगों के मुँह में लगाम डाले जो इस मुल्क के अंदर फ़िरका वारियत की फ़िज़ा पैदा करना चाहते हैं, फ़िरका वाराना फसादात कराना चाहते हैं। इस बात की तरफ भी तवज्जो की जाए। मैं हुकूमत से कह रहा हूँ, इस बात की तरफ तवज्जो करें, पाकिस्तान में फ़िरका वाराना लड़ाई ये किसके फ़ायदे में है? ये लोग किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं? कोई अहले बैत को बुरा कहे, कोई साहबा को बुरा कहे, ये फ़ायदा किसको पहुंचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को तो इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, इसका फ़ायदा सरासर इंडिया को है और इसराइल को है। अगर आप हुकूमत अगर पूरी दयानतदारी से कोशिश करें ना, तो ताने बाने पीछे नज़र आ जाएंगे कि इनके पीछे कौन है। तो मुल्क को फसादात से बचाने के लिए ऐसे खबीसों के मुँह में लगाम दी जाए जो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ बक बक करते हैं।